एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बायोलॉजिकल साइंस मिस्टर सेकंड बीएड का इसमें हम कर रहे हैं अभी क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। क्या करना है? टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज। देखिए कोई भी चीज़ होती है टू टाइप की क्वालिटीज होती हैं, इंटरनल क्वालिटीज और एक्सटर्नल क्वालिटीज। इंटरनल क्राइटेरिया होता है और एक्सटर्नल क्राइटेरिया। एज ए इंडिविजुअल भी कोई है, इंडिविजुअल की भी फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं और इंटरनल क्वालिटीज, एक्सटर्नल क्वालिटीज और इंटरनल क्वालिटी। एक्सटर्नल क्वालिटीज जो वो क्वालिटीज़ जो बंदे की आउटलुक में दिखती हैं और इंटरनल जो बंदे के अंदर की होती हैं खूबियाँ। अब देखिए टेक्स्ट बुक की भी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ होती हैं और इंटरनल भी होती हैं। अब नंबर वन जो हम इंटरनल क्वालिटीज़ करेंगे, इसमें आ गया इंटरनल सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जो बुक के अंदर मटेरियल है, जो हमारा कंटेंट है, उसकी सिलेक्शन करना होता है हमें, कैसा कंटेंट है, अच्छा है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। कवरेज ऑफ द कोर्स, जो हमारा कोर्स का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ऑथेंटिक मीन्स एडिक्वेट होना चाहिए। अप टू डेट कंटेंट, मतलब कि अप टू डेट वाला कंटेंट होना चाहिए, यानी कि बुक पब्लिश हो रही है 2018 में, मटेरियल हो 1984 का, ऐसा नहीं। अप टू डेट कंटेंट होना चाहिए, इंटीग्रेट कंटेंट, कंटिन्यूटी एंड बैलेंस, लिंकिंग विद लाइफ। नंबर वन था इंटरनल क्राइटेरिया ए पॉइंट, तो इसमें था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट नंबर वन ए पॉइंट था। अब नंबर बी है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। इसमें डिवीजन इनटू सिलेक्शन, डिवीजन इनटू सेक्शन, डिवीजन इनटू यूनिट्स। पहले सेक्शंस में, फिर यूनिट्स में, साइकोलॉजिकल अप्रोच, देन लॉजिकल अप्रोच, कोहेरेंस, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। या ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वन प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट मटेरियल, कैसे प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इन्फोर्सिंग, क्राइटिंग अप्रोच, सजेशन फॉर ग्रेट मेथड ऑफ लर्निंग, सजेशन फॉर टीचर्स, कॉन्स्टेंट मॉडिफिकेशन फॉर टीचर्स। ये आगे प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट मटेरियल, कैसे हमारा जो कंटेंट है वो कैसे प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना। लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज में ईजी लैंग्वेज यूज़ हो चुकी है। इंटरेस्ट, ऐसी प्रेजेंटेशन में तैयारी होनी चाहिए बच्चों का इंटरेस्ट और ईजिली अराउज हो सके। मोटिवेटिंग होनी चाहिए एंड इनफोर्सिंग होनी चाहिए। क्रिएटिव अप्रोच, सजेशन फॉर ग्रेट मेथड्स ऑफ लर्निंग, सजेशन फॉर टीचर्स एंड कॉन्स्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ आर टीचर्स। वर्बल कम्युनिकेशन आ गया नंबर फोर, सुटेबल वोकैबुलरी, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेज होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग्स होनी चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, करेक्ट पंक्चुएशन होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट टर्म्स होनी चाहिए, एडिक्वेट एग्जांपल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट्स होना चाहिए। जो हमारी टेक्स्ट बुक है इंटरनली ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन विजुअल कम्युनिकेशन, एडिक्वेट डेमोंस्ट्रेशन, वैरायटी इन इलस्ट्रेशन, फ्लॉलेस इलस्ट्रेशन, ऑथेंटिक इलस्ट्रेशन, सब्लिमेशन ऑफ टेक्स्ट, असाइनमेंट, रेलिवेंट असाइनमेंट्स, प्रीलिम्स एंड बैक पेजेस। टाइटल पेज, प्रीलिम्स एंड बैक पेजेस में आ गया पहले बैक पेज, टाइटल पेज। बायोसाइंस टेक्स्ट बुक शुड हैविंग अप्रोप्रिएट टाइटल पेज, द टाइटल पेज शुड गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, दैट इज सब टाइटल, टाइटल्स, ऑथर्स नेम, प्लेसेस एंड क्वेश्चन, सुटेबल प्रीफेस, करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, एडिक्वेट ग्लोसरी होनी चाहिए एंड में, करेक्ट बिब्लियोग्राफी होती है एंड में, कौन सा टॉपिक किसने लिखा, कहाँ से लिखा, कैसे था, ये सब कंटेंट था। लास्ट में है इंडेक्स, ये आ गया इंटरनल क्राइटेरिया, इंटरनल क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक। अब नेक्स्ट वन आता है एक्सटर्नल क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक। देखिए इसमें आता है एक्सटर्नल क्वालिटीज और क्राइटेरिया, पेपर, अब आइसेंस शुड बी गुड एंड ड्यूरेबल, जो शीट चूज हुई होगी वो अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। प्रिंटिंग, जो हमारी हमारी प्रिंटिंग नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए बच्चों को। लाइंस, पैराग्राफ्स वैसे भी हैं डार्क डार्क अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हेड लाइन्स होती हैं वो डार्क होनी चाहिए। साइज एंड वॉल्यूम, बुक बहुत भारी भी होनी चाहिए, बहुत हल्की भी नहीं, एज के हिसाब से होगी। प्राइस को भी ध्यान में रख के बच्चों की जो फाइनेंशियल इनकम है वहाँ वैसे होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, द टेक्स्ट बुक शुड बी इजिली अवेलेबल, एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस, स्टाइल एंड बुक एक्सीलेंस, प्रेजेंटेशन ऑफ ए बुक, ग्लोसरी, फॉन्ट ऑफ इंक, लार्ज वर्ड्स, लार्ज बुक्स, स्मॉल वर्ड्स, लार्ज
small sub index, front page, last page, glossary and binding. Thank you and have a nice day.